वही इंसान इस बिजनेस में सफल हुआ है। देखो यहां पर ये लाइन ये बोलती है कि आपको गुरु को भगवान मतलब एक सर्वो सर्वा समझो। मैंने कहता था कि यार आप भगवान समझो, उसको सर्वो सर्वा समझो। क्यों? क्योंकि आपसे पहले आया है और इतिहास के पन्नों पे लिखा है कि भगवान से मिलने वाला भी गुरु गुरु ही होता है, भगवान से मिलाने वाला भी गुरु ही होता है। आया ना? जिसको गुरु ज्ञान नहीं उसको मोक्ष की प्राप्ति ना भगवान के दर्शन होंगे। आया ना? तो जीवन में एक चीज को समझिएगा कि अगर आपको बिजनेस में बड़ा बनना है, गुरु कितनी बड़ी पावरफुल चीज होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दो गुरु चेले थे, है ना? एक नया नया चेला था करम सिंह की तरह, उसने भाई साहब घरवालों से परेशान होकर के, भाई मैं यार ये छक गया सानी वानी काट करके, ये काम कुम करके मैं तो यार मोक्ष की प्राप्ति में जा रहा हूँ। मैं तो एक बाबा है अनिल फौजी बाबा है और वो एक जंगल में तप रहा है, मैं तो उसके पास जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझना, मैं कहानी समझा। तो भाई करम सिंह अपने बाल बाल कटवा करके आ गया, जी मैं तो चेला बन गया आप कर, मैं तो सारी उम्र आपके पास रहूँगा। बोला ठीक है भाई, आ गया तो ठीक है, यहाँ पर रह लो काम करो। तो उसके बाद अब जो बाबा लोग होते हैं गुरु लोग होते हैं वो भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगले दिन भाई साहब गुरु ने चेले को बोला यार पड़ोस में से यहाँ से निकलना और जंगल पार जाएगा तो एक गाँव है उस गाँव से भिक्षा लेकर के आना। तो अब करम सिंह भाई साहब अपना नया नया चेला था वो गया उस गाँव में। गाँव में जाते पहले ही उसने कैसी कुंडी खटखटा दी जो तांत्रिक बाबा था, ठीक है, वो अपनी तपस्या तपस्या कर रहा था और ये अपना भार खड़ा होकर के भिक्षा दे। अब उसने तीन चार बार बोला उसकी जो है भाई तपस्या भंग हो गई और भार गुस्से में आया, बोला कौन है तू? बोला मैं अनिल गुरु का चेला। बोला कौन गुरु? कोई गुरु गुरु नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे जो सब कुछ मैं हूँ। और तांत्रिक में थोड़ा घमंड था, बोला तू मुझे गुरु बोल। करम सिंह बोले ना बोलूँ भाई, मेरा तो गुरु भाई। बोला मैं भगवान हूँ। बोला ना तू भगवान ना, मेरे को तो गुरु ने बताया भगवान तो ऐसा होता है फलाना होता है ढिमकाना होता है। तो वहाँ पे काफी बहस हुई। अब करम सिंह ने उस तांत्रिक की बात मानी नहीं, तो तांत्रिक ने करम सिंह को क्या दे दिया? श्राप दे दिया, जा बेटा कल का सूरज नहीं देखेगा तू, खत्म है तू। अब करम सिंह टेंशन में, सारा जिंदगी के मजे लेने के लिए तो बाबा बना था और यहाँ पे भाई साहब इसी ने श्राप दे दिया, भाई साहब खत्म। अब ये भाई भुंडे ही शक्ल लेकर के गया जंगल में, जंगल में जा करके गुरु बैठे। तो अब गुरु तो भाई साहब वो तो ज्ञानी होते हैं, वो तो शक्ल देख के समझ गया फंस गया कहीं, ठीक है। तो अब करम सिंह बोला, अब गुरु बोले कि हाँ भाई ले आया भिक्षा। बोला कड़े की भिक्षा गुरुदेव, फंसा दिया था ना यहाँ पे। बोला क्या हुआ? बोला वो गाँव में जाते तांत्रिक बाबा था ऐसे ऐसे, उसने शराब दे दिया। बोला तू टेंशन मत ले, अब हम यही तो करते हैं डाउनलाइन को, अरे चिंता मत करो मैं संभाल लूँ। अब डाउनलाइन बोला भाई साहब मैं यहाँ पे मरे, मेरे को शराब दे दिया मरने का, तू बोल रहा टेंशन मत ले, प्राण तो मेरे उड़ेंगे तेरे थोड़ा उड़ेंगे। तो बोला कि यार, अब बोला टेंशन मत ले यार तू बैठ ना मैं हूं ना। तो शाम होगी जी, शाम होने के बाद में गुरुदेव बोले करम सिंह को, चल यार खाना खा ले। ना जी खाना खा तो पानी ना भाई, सला कल का सूरज ना देखूं मैं तो खाना ना खाऊं टेंशन में। करम सिंह भूडी शक्ल कर रहा, अब रोने को रहा। गुरुदेव ने अपना खाना भी खा लिया, अब चेला वैसे तो खतरनाक गुरु, ये तो मेरे लिए भूखा भी ना रह रहा, ये तो खाना भी खा गया। हो जाता ना ऐसे डाउनलाइन नेगेटिव हो जाता है। तो लास्ट में रात के जब 10-11 बजे, तो गुरुदेव ने बोला करम सिंह को कि यार करम सिंह एक काम कर, मैं सोने जा रहा हूँ। और पहले की जो परंपरा होती थी वो चेले क्या करते थे, गुरु के पैर दबाते थे सोते हुए, अपने गुरु की सेवा करते थे। बोला यार मैं सोने जा रहा हूँ, तू मेरे पैर दबा दे। और अब करम सिंह टेंशन में, एक तो भूखा आदमी ऊपर से पैर दबाने, ऊपर से साले सुबह प्राण पखेरु उड़ने। करम सिंह बोला चल ठीक है जी, आज आज दबवा लो, कल तो साला मैं रहना नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे हम पैर दबा के मरे, ठीक है। तो करम सिंह भी अपने दुखी मन से पैर दबाने लग गया। तो जब गुरु सो रहा था तो गुरु ने करम सिंह को तीन बातें बोली, तीन बार बोला बेटा बात ध्यान से सुनना, रात को कोई भी आए बुलाने तेरे को पैर छोड़ के मत जाना। करम सिंह को फिर बोला बेटा देख सोने जा रहा हूं, कोई भी आए पैर छोड़ के मत जाना। फिर तीसरी बात, बेटा कोई भी आए पैर छोड़ के मत जाना। तीन बार बोल दिया, बोला मैं सो रहा हूं अब दोबारा नहीं बोलूं। अब भी गुरु सो गया। अब तांत्रिक ने अपना जो है क्रियाक्रम शुरू किया। रात के 12 बजे एक सुतरी सी लड़की को लक्ष्मी देवी का रूप बना करके गेट पे भेज दिया और करम सिंह को बोल रही कि देख बेटा मैं लक्ष्मी माता हूं, तू मेरे पास आ देख, पैसों की बारिश कर दूंगी मैं तेरे लिए, जिंदगी ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। लालच दिया भाई को। तो करम सिंह को बात आई याद गुरुदेव की, क्या पैर छोड़ के नहीं जाना, गुरुदेव ने बोला था साला कुछ भी हो जाए। तो करम सिंह ने बोला देखो जी बात तो आपकी ठीक है, पैसे मुझे भी चाहिए, टेंशन नहीं है, जिंदगी के मजे लेने थे मैंने, लेकिन आज गुरु ने कहा कि पैर छोड़ के नहीं जाना, तो आप इधर आ करके मेरे को पैसे दे करके जाओ। तो लक्ष्मी बोली ना जी मैं उधर तो ना हूं। बोली फिर मैं भी ना उठ के जाऊं। तो तीन बार ऐसे मतलब हुई, लक्ष्मी गायब हो गई। अब उसके बाद तांत्रिक को लगा भाई साहब मेरा पहला हथियार फेल हो गया, दूसरा उसने फिर करम सिंह की माँ को भेष बना करके भेजा।
अक्रम सिंह की माँ दरवाजे बोली, बेटा देख कई दिन हो गए तू घर छोड़ के चला गया था, मेरा मेरा मन कर रहा है तेरे से गले मिलने का, तो तू आ मेरे पास गले मिल। गुरु करम सिंह को फिर गुरुदेव की बात याद आ गई कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो चक्कर भी चल रहा है, पैर छोड़ के नहीं जाना। तो करम सिंह ने माँ को बोला, देख माँ बात तेरी सही है, तेरा मन कर रहा है तू यहीं आकर के गले मिल जा, पैर नहीं छोड़ सकता मैं, गुरुदेव की आज्ञा है। तो तीन बार अपनी कहानी हुई, माँ भी गायब हो गई। तो करम सिंह को कहानी आ गई, साला आज ही लक्ष्मी आ रही है, आज ही माता आ रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई साहब, तेरे को पक्का लेके जाएंगे। करम सिंह का विश्वास दिन में बदल गया, तो अब उसने पैर और मजबूती से पकड़ लिए, यार कोई ना कोई तो कहानी हो रही है, आज ही सारे सारे देवी देवता आज ही प्रकट हो रहे। और रात के 12 बजे भी जंगल में माँ कैसे आ गई, तो करम सिंह का विश्वास यकीन में बदल गया, भाई कुछ ना कुछ तो तांत्रिक कर रहा। अब रात के बज गए 2:30 भाई, अब तांत्रिक को लगा कि भाई साहब सारे हथियार फेल हो गए, अब तो यमराज को भेजना पड़ेगा। अब तांत्रिक ने क्रियाक्रम की, यमराज को भेजा, यमराज ने जाकर के अपना पूरा विराट रूप दिखाया, और दिखाने के बाद करम सिंह को, हे करम सिंह छोड़ पैर, मैं तेरे को लेने आया हूँ। बोला भाई साहब तू चाहे कोई भी हो, मैं आज पैर ना छोड़ू, तेरा जी करता नहीं आ जाऊंगा। तो उसके बाद है तो जी सुबह हो गई तो करम सिंह वही पैर दबाता दबाता मिला, गुरुदेव की आँख खुली, हाँ बेटा तू तो मरने वाला था। तो करम सिंह को एहसास हुआ कि गुरुदेव मेरी कल की गलती, सबसे पहले तो मैं पैर पकड़ के आपके माफ़ी मांगता हूँ कि कल मुझे आप पे शक हुआ और मुझे ये लगा कि मैं गलत कंपनी को ज्वाइन कर लिया, गलत मैं आपके पास आ गया था, ठीक है मेरे को लगा साल आपकी कंपनी ज्वाइन करके मैं मर जाऊँगा, लेकिन गुरुदेव आप गुरु हो, कल मुझे लक्ष्मी लेने आई, माता लेने आई, और तो साला यमराज लेने आया। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि गुरु के चरणों में पड़े रहे तो साला यमराज उल्टा जा सकता, भाई साहब मौत आपका बन जाता। तो इस कहानी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नेटवर्क मार